वेलकम टू माय हाउस ऑफ रेसिपी। हमारे घर में ऐसी काफ़ी सारी कांच की बॉटल्स होती हैं जो कि हम ज़्यादातर डस्टबिन में फेंक देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप ये सारी बॉटल्स रीयूज कर सकेंगे और ये बहुत ही सिंपल और ईजी है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले मेरे पास शेजवान चटनी की बॉटल है, अभी एम्प्टी हो गई है तो मोस्टली हम इसे डस्टबिन में फेंक देंगे। ये जैम की बॉटल है और ये कुछ वाइन बॉटल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसका स्टिकर उतारेंगे तो ये कहीं से उतर जाएगा, कहीं से नहीं उतरेगा और काफी डिफिकल्ट होता है ये उतारना। तो हम ये बकेट लेंगे और इसे इसके अंदर सेट करके रखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी भरेंगे ताकि ये बकेट के अंदर ही रहे। इसमें भी पानी भर देंगे। पानी भरने से अंदर से भी इसकी स्मेल चली जाएगी और ये बकेट के अंदर भी रहेंगे। इसे हमें 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही बकेट के अंदर रखना है। अभी इन्हें सोख करके रखे हुए हमें 15 मिनट्स हो चुके हैं तो हम इसका स्टिकर उतार के देखते हैं कि कितना ईजीली निकल रहा है। करके ड्राई कर लिया है अच्छे से, इसके लिड को भी क्लीन करके ड्राई कर लिया है। अब मैं इसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती हूँ। देखिए कितना स्पेशियस है ये। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया था, मैंने अचार स्टोर किया है इस जार में। इतने में भी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है और ये कांच का भी है तो ये हमारे अचार को, पिकल को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये मिर्ची का अचार है, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। ये ऐसे ही मैंने जैम की भी बॉटल को क्लीन कर लिया है, इसमें भी हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ये बॉटल का जो ये ऊपर का नेक है ये हम कैसे रिमूव करेंगे, बहुत ही आराम से इसको थोड़ा सा प्रिक करेंगे और वहीं से आप टेयर करते जाएंगे। बहुत आराम से करना है, ये आपके हाथ में भी लग सकता है। नाइफ से ही करना है आपको, हाथ नहीं यूज करना है। नाइफ को इंसर्ट करते जाइए और उसे ऊपर की तरफ पुल करते जाइए। कितनी इजीली रिमूव हो गया। कभी रिमूव कर लेते हैं। ये आई थिंक प्लास्टिक का है तो मैं नाइफ को पहले गर्म करूंगी गैस पे। ये ऐसे हम नाइफ को गर्म करेंगे। अब इसके नीचे एक प्लास्टिक का है, ये फिर से हम गरम नाइफ से इसको कट करेंगे।
वे से हम पानी स्टोर करने के लिए प्लास्टिक की बॉटल्स की जगह हम ये ग्लास बॉटल्स का यूज़ करेंगे, जो कि दिखने में भी अट्रैक्टिव है और यूज़ करने में भी हेल्दी है।